challenges that is lie ahead. In shaping the tax landscape of our nation, however, there is still much work to be done. The ever-evolving economic and technological landscape demands that we stay active in our efforts to ensure a fair and just tax system for all. Sir, during this seminar, we will explore various aspects of taxation, ranging from international tax trends to domestic tax reforms. Our expert speakers will share their insights and expertise, and I encourage each of you to actively participate in the discussion, ask questions, and share your experiences. Beyond the academic knowledge, this seminar also presents an invaluable opportunity to network and build lasting connections with fellow tax professionals. The friends we forged and alliance we create here can lead to fruitful collaboration that strengthens our collective impact on tax policy and administration. Sir, I extend my heartiest gratitude to all the individuals and organizations that have contributed to the success of the event. Your support and commitment to the goals of Pakistan Tax Bar Association are deeply appreciated. As we develop into the session and workshops, let us keep in mind that our work as a tax professionals go beyond numbers and regulations. It is about serving our nation, fostering economic growth, and upholding the principle of transparency and accountability. Let this seminar be a stepping stone towards the bright future for our tax system, wherever taxpayers can confidently contribute to the nation's progress. Together, let us embrace the challenges, seize the opportunities, and continue to be the driving force behind positive change in Pakistan. Thank you all for your presence and participation. Let us make this seminar a resounding success. मेरा सच्ची बात है फर्स्ट एक्सपीरियंस है समर कैंप में शामिल होने का और बीइंग जनरल सेक्रेटरी मुझे जारी बात है इसमें लाहौर से शामिल होना था बीइंग जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार तो सुना तो मैंने काफ़ी यहाँ क्या हम लोग यहाँ से काफ़ी कुछ सीखते हैं क्योंकि हमारे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं हमारे कोलीग्स वहाँ में मौजूद हैं जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है टैक्स के प्रैक्टिस के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से भी उनका वास्ट एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे जो हमारा सेमिनार के वर्किंग है इसमें हम सब लोग जैसा कि राणा साहब फरमा रहे हैं आपस में सीखेंगे आपस में चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और जो भी हमारे इश्यूज होंगे हम उम्मीद करते हैं जो हमारे गेस्ट हैं जो उनको हमने पूरे सेशन टेनोर में बुलाया हुआ है चार दिन का जो है वो हमारी बातें सुनेंगे और हमारी बातों को इंशाल्लाह समझेंगे और उस पर हम समझेंगे उस पर भी अमल दरामद भी होगा पर्टिकुलरली जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जाहरी बात है सिटिंग मिनिस्टर है माशाल्लाह तो उस हवाले से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि वो हमारी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं और इंशाल्लाह पहुंचाएंगे बेशक वो जाने वाले हैं लेकिन बहरहाल ताल्लुक तो रहता है ये तो नहीं कि ताल्लुक तो खत्म नहीं होगा अभी मलसा कहते जाने वाले लेकिन ताल्लुक तो रहेगा से मतलब है वो जो रिलेशन है वो तो कायम रहते हैं जो उन्होंने वर्क किया है वो डेफिनेटली उससे मुस्तफ़ीद जो आने वाले जो रजीम है वो भी मुस्तफ़ीद होगी और पॉलिसीज जो है मैं तो समझता हूँ कि कंटिन्यूस पॉलिसीज होनी चाहिए ये नहीं कि आज पॉलिसीज कुछ और फ्यूचर में पॉलिसी कुछ हो जाए आने वाले रिजीम कुछ हो जाए पर्टिकुलरली फाइनेंस के मामले में या टैक्स के मामले में कंटिन्यूस पॉलिसीज होंगी ही तो हम जो है रेवेन्यू को जो हमारा एफबीआर वो टारगेट अचीव कर सकता है मीटिंग में हमारा कुछ ऑब्जेक्ट भी होता है वो ऑब्जेक्ट ये है कि हम एफबीआर की वो टीम है कि जो जहाँ पर उनकी एक टीम जो है वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए वो तनख्वाह लेती है हम बगैर तनख्वाह के एफबीआर के लिए बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो हम इकट्ठा करके देते हैं और इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं उन इश्यूज में बजाते खुद लॉ की बात होती है कि बहुत सारे कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं
बहरहाल जो जिस किस्म की हमारी मईशत है उसमें डेफिनेटली मुसलसल सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं और उसमें लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो लॉ मौजूद है उसके मुताबिक हम एक्ट करते हैं, लेकिन उस हवाले से हमारे साथ जो एफबीआर की वो मशीनरी जो तनख्वाह लेके काम करती है, टैक्स इकट्ठा करती है, वो हमारे साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ भी करते हैं। उन ज्यादतियों में हर बंदा यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो खुद जानता है, लेकिन हमें उन ज्यादतियों के खिलाफ एक मुश्तरका जदोजहद करनी पड़ेगी। और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने तौर पर अब जदोजहद करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ये पूरे पाकिस्तान से इतनी बड़ी ताकत मौजूद है, अगर ये ताकत इकट्ठी होके उन तमाम मामलात को फेस करे, मिलके जदोजहद करे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो ये टैक्स के प्रैक्टिस करने वाली बरादरी जो है इसमें हमें बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं। बहुत सारे इशूज हैं, मसलन सखर की मीटिंग में क्वेटा के दोस्तों ने कुछ अपने मामला रखे थे, अब मुझे नहीं पता कि उनके वो मामला जो थे या उनके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए या नहीं हुए। मैं ये समझता हूँ कि हमने जब से हमारी लाहौर की ये नई रजीम आई है, हमने इस टैक्स फ्रेटर्निटी के नुक्ता निगाह से बहुत सारे वो मसाइल अपने जो वहाँ पर जो टैक्स मशीनरी है एफबीआर के उनके सामने रखे हैं और हमने बहुत सारे अपने मामला जो है वो रिजॉल्व भी किए, और कुछ मामला ऐसे भी हैं कि जो उन्होंने कहा कि जी हमें वक्त दे तो हम उसके बाद आपसे मामला नेगोशिएट करेंगे, तो ये फिर कोशिश करेंगे कि उसको हल करें। बहरहाल टाइम यहाँ पर कम है, बहुत सारे इश्यूज वो मैं डिस्कस नहीं करता, तो मामला यहाँ पर वो जो बात मैं कर रहा हूँ उसी के हवाले से यहाँ पर बात होगी, कल भी होगी और लास्ट सेशन तक ये मामला चलते रहेंगे। तो मैं ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार में कोई इशू बनता है तो मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान टैक्स बार्स को उनके उस सिलसिले में उनके मावन चलना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 2008 से एक सफ़र शुरू हुआ था अब्दुल्कादिर मेमन साहब की सरबराही में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बड़ी कामयाबी के साथ वो तय करता हुआ इस समर कैंप को जिस तरह से कामयाबी के सब मनाजिल इसने तय की हैं वो आप साहब उसके गवाह हैं। और मैं राणा मुनीर साहब और अब्दुल्कादिर मेमन साहब दोनों का शुक्रिया ये अदा करूँगा कि ये दोनों ही मौजूद हैं इस समर कैंप के, इन क्योंकि दोनों उस वक्त पाकिस्तान टैक्स जो अकेडमी थी हमारी जो उसके प्रेसिडेंट भी थे और जनरल सेक्रेटरी थे राणा साहब, तो इनका ये ब्रेन चाइल्ड था और वहीं से ये आगाज़ हुआ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से चलता आया। सिर्फ एक साल हमने मिस किया जो कोविड का था, उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलता आया। हर साल हमने बेशुमार शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ लाई, उसमें वज़रा भी आए, इसमें वफाकी वज़रा से लेके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से लेके चीफ जस्टिस साहबान, जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस, बहुत से हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सी हमारी एमिनेंट पर्सनैलिटी जो टैक्स प्रोफेशनल्स में अपना एक नाम रखते हैं, उन्होंने इस समर कैम्प को रौनक आज तक बख्शी है और ये भी समर कैम्प इंशाल्लाह एक कामयाब समर कैम्प होगा। आज मैं थोड़ी सी लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। शर्मिंदा इसलिए कि आज जो आपके दिलों में बात है वो मुझे महसूस कर रहा हूँ मैं, बजाय कुछ कहने के, बजाय कुछ सुनने के, आपसे दिल से माजत खा हूँ कि कुछ चीज़ें आज हमसे कोताही हुई। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, हमने कोशिश की कि आपके लिए कुछ
बेहतर कर सकें, लेकिन कोताहियाँ हो जाती हैं, बड़े माफ़ कर दिया करते हैं, और आज के लिए जितनी भी कोताहियाँ हुई हैं उसके लिए हमें माफ़ी दे दें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस समर कैंप को एंजॉय करेंगे। हम आ गए हैं आने तक, और यहाँ ये सेटल होने तक कुछ मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर होगा डे बाई डे। तो मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, कराची से खैबर तक सब लोगों का, कि वो तशरीफ़ लाए, बड़ा सफ़र किया और बड़ी यहाँ पहुँचने में बड़ी दिक्कतें पेश आई। मैं सबके लिए माजर था हूँ कि आपको इतनी मुश्किलात के बावजूद आप यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ जो समर कैंप 2023 का, और इसके बाकायदा आगाज़ का ऐलान करता हूँ। इंशाल्लाह ये चारों दिन पाँच दिन हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन एंटरटेनमेंट, जो बेहतरीन प्रोफेशनल गुफ्तगू है वो यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। जनाब आबिद हुसैन शाबान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मेंबर हैं रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन। तो सर बिला तकलीफ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आबिद हुसैन शाबान साहब से, सर वेलकम टू द डाइस। बिफोर आई स्टार्ट, यू नो बेंजामिन फ्रैंकलिन 1789 के अंदर उसने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लेटर लिखा, एंड आई जस्ट कोट फ्रॉम इट, Our constitution is now established. Everything seems to promise it will be durable. But in this world, nothing is certain except death and taxes. Aaj agar Benjamin Franklin zinda hota, iske andar ek sentence aur add karta, and another tax reform commission in Pakistan. I mean, alright? And I'll tell you why. So what is tax policy? Tax policy काफ़ी cycles के through गई है। पहले था कि हम stimulate economy को करें, उस लिए tax policies formulate होती थी। इसके बाद consolidation of fiscal positions, revenue generation के लिए, and हर दफ़ा हर cycle में tax policies पाकिस्तान में especially जो हुई हैं उसमें urgency थी, कल सुबह को होना है। So what makes this? मेरे भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स पॉलिसी? देयर शुड बी सिंपलिसिटी, टैक्स कोड शुड बी इजी टू फॉर द टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड कंप्लाई एंड फॉर द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स। जितनी कॉम्प्लेक्स टैक्स पॉलिसीज होगी कंप्लायंस नहीं होगी एंड इन्फोर्समेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट। टैक्स पॉलिसीज शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्लियर, plainly defined, taxpayer must what he must pay and when he must pay. Any changes जो होनी है वो छुपके नहीं होनी है, but after debate. Neutrality in taxes, taxes should neither encourage nor discourage personal or business decisions. The purpose of taxes is to raise much needed revenue and not favor or punish industries, activities or products. Stability होनी चाहिए। अगर आज आपने कोई प्रोविजन ऑफ लॉ ले आए, उस प्रोविजन ऑफ लॉ को एक साल के बाद आप रिवर्स ना कर लें। आई गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल जो हमारे पास हुआ दो साल पहले, 65B फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सडनली 10% से 15% से 10% कर लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और पर्टिकुलरली फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से आपने बात की, वो भी बड़ी अहम बात है। और जैसे आपने फरमाया कि ये जो FBR कहता जी मेरे टैक्स पेयर 4 मिलियन हो गए, ये सब फ्रॉड है। जैसे उन्होंने कहा टोटल फॉल्स फिगर्स हैं ये, उसमें जैसे आपने कहा 50% नॉन फाइलर्स हैं, जो फाइलर और नॉन फाइलर का इन्होंने क्रिएट किया है डिफरेंस, कि किसी ने गाड़ी ले ली है तो उसका टैक्स रेट वो होगा जो फाइलर है उसका डिफरेंट है, नॉन फाइलर का डिफरेंट है। वो सब लोग नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन FBR अपनी फिगर बनाता है, और फिर उसमें FBR इन्वॉल्व है, जो बैंकर है या जो रजिस्टर कर रहा है गाड़ियों का, उसका रहा है FBR के किसी बंदे से, वो उसको कहता है जनाब कोई मसला नहीं है, मैं भी आपको फाइलर बनवा देता हूँ। वो उधर से बैठ के FBR के बंदे से अपना कोऑर्डिनेट करता है, और वो उसकी नील की रिटर्न फाइल करके, नील वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करके वो फाइलर बन जाता है। और FBR बताता है जी मेरे जो टैक्स पेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो सर ने बहुत अच्छी बात किया कि वो सब फिगर जो है दैट इज़ नॉट द ट्रू फिगर। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर आपने की है, वो आपने की है कि जो रोल ऑफ FBR की जो मशीनरी है कलेक्शन में, वो सिर्फ 6% कलेक्शन कर रहा है, बाकी तो सारी आउटसोर्स हो रही है।
तो इतनी जो फौजें जफर एफबीआर में रखी हुई है, अगर सारी कलेक्शन जो है वो होनी है एट सोर्स, अब इनका फायदा क्या है? और आप अभी आपने फरमाया कि जी इनके अरे इतने ट्रिलियन केसेस हमारे ऑडिट में फंसे हैं, आप कहते हैं 70% टैक्स पेयर विन करेंगे। सर मेरा बिलीव है 90% टैक्स पेयर विन करेंगे, ठीक है 90% उसमें टैक्स पेयर की बिलिंग होगी, सिर्फ 10% डिपार्टमेंट पास के मार्जिन होता। और आपको पता जो रेस्ट जो भी असेसमेंट होती हैं वो सारी इरेशनल और इलीगल असेसमेंट होती है, अल्टीमेट कोई फर्स्ट अपील में क्वैच हो जाती है, कोई सेकंड अपील में क्वैच हो जाती है, और कुछ नहीं तो रेफरेंस में जाके वो क्वैच हो जाती है। तो उस हवाले से इस जो रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी अहम बात है, जो टैक्स मशीनरी है एफबीआर की रिकवरी के हवाले से अगर उनका रोल नहीं होना एट सोर्स सब कुछ होना, तो फिर इसकी डाउन साइजिंग होनी चाहिए। क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा मशीनरी रखने का? वो सब लोग जो तनखाएं हैं जो टैक्स पेयर दे रहे हैं वहीं से जा रहे हैं ना, पेपर तो हम लोगों की है, जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं के फंड से उनको तनखाएं जा रही हैं। तो उस पर जो एफबीआर के अफसरान हैं जो हायर अप्स हैं उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि ब्रॉडनिंग किस तरह से हो कि एफबीआर की जो रिकवरी का मशीनरी है उसका रोल बेहतर से बेहतर हो सके। जनाब अब्दुल कादर मेमन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएँ। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन को और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन को कि उन्होंने इस इतने खूबसूरत काम की कंटिन्यूटी को रखा हुआ है इसमें जारी। जब ये राणा साहब ने सारा क्रेडिट मुझे दे दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया 2008 में ये मुमकिन नहीं हो सकता था अगर राणा साहब ना होते और उनका एक्टिव रोल ना होता। तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद तो यही है, मैं तो एक पीछे जो है इसका तार बजाने वाला था, अदरवाइज ही इज द वन एक्चुअली। और इन्हीं की टीम जो थी माशाल्लाह से वो उन्होंने इसकी इब्तिदा रखी और आज अल्लाह ताला ने इसका इतना फल दिया। आज देखें मैंने आज मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 60% पीपल आर यंग न्यू, और ये उस एनर्जी से आज यहाँ आए हैं कि वो ना सिर्फ यहाँ सीख के जाएंगे बल्कि वो इस डिटर्मिनेशन से भी आए हैं कि इस मुल्क में अगर कोई बुराई होगी तो वो उसको दूर भी करेंगे। और जब कभी भी तब्दीली आई है तो इसी तरह आई है कि चंद लोगों ने इसको इसका बेड़ा उठाया है, और मैं बहुत उम्मीद हूँ कि जो है अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बेपनाह सलाहियतें दी हैं और बेपनाह उसके वसाइल हैं। मैं 3-4 दिन पहले IMF की जो प्रेसिडेंट है उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त क्लाइमेट को समझा जाता है, जबकि वो नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त दुनिया जो फेस कर रही है वो कर रही है एजिंग का, यानी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो उनकी उम्रें जो हैं वो बढ़ रही हैं और वो काम के काबिल नहीं रहे हैं। हम चूँकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा हुआ है कि हमारी जो मोर देन 40% जो है वो यूथ है, और अगर हम किसी तरह हम सब मिलके किसी तरह उनको किसी तरह बेहतर यूटिलाइजेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे पास इतना बड़ा असासा है यंग बच्चों की शक्ल में कि हम पूरी तकदीर तब्दील कर सकते हैं मिलके। तो मैं समझता हूँ कि इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आबिद साहब हमारे साथ होते हैं, ये हमको भी डराते रहते हैं और हमें भी उदास करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने आप देखें अल्लाह ताला ने एक ऐसी मुश्किल से भी निकाला जो हम मैं समझता हूँ वो मुश्किल सबको नज़र आ रही थी IMF वाली, कि जिसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आया, और इसका क्रेडिट ज़ाहरी बात है प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है जिसने अपनी मुदब्बराना और समझदारी के उससे इस डील को कंस्टिट्यूट किया। ऑल दो ये डील होने का हमारे पाकिस्तान के हो सकता है कि ये लैंडस्केप पे इस वक्त नज़र आ रहा हो, बट इसका फ़र्क इसने नहीं होगा कि हम डूबते ही चले जाएंगे अनलेस हम अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, हम अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे। जब तक जहाँ जहाँ रेवेन्यूज़ हैं हमारे पास इसको हम नहीं कलेक्ट करेंगे तो ये होगा। तो मैं इशफाक यूसुफ तोला साहब, फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन। सर आप हमेशा हमारे दिलों में हैं, आपकी
मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने आने का भी आज हमारी ऑफर को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ मौजूद भी हैं। सर वेलकम प्लीज़। ये मैं पढ़ रहा था स्केड्यूल, इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ इतनी अच्छी वो नज़र नहीं आई, मगर एक अच्छी चीज़ जो नज़र आई वो ये है कि आप सब मिल के यहाँ बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे और जो नया प्रोफेशनल होगा वो आके इसमें काफ़ी इस्तेफादा हासिल करेगा। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई थिंक इट शुड कंटिन्यू एंड आई नो कादर भाई के बारे में हम हमेशा ये कहते हैं जहाँ गए दास्तां छोड़ा है, तो ये दास्तां छोड़ के आए हैं यहाँ पर। कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम आबिद भाई, थोड़ा सा मैं इसको ग्लिम्स लेके थोड़ा सा आगे चल जाता हूँ। अभी हमने इंटरनल रिपोर्ट जिसकी आबिद ने बात की, वी हैव सबमिटेड, ये हमारे पास मौजूद मेंबर बैठे हुए हैं। तो इस कंट्री के प्रोफेशनल्स ने इस कंट्री को बहुत कुछ दिया है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी आर डिवाइडेड। हमारे सीनियर बैठे हुए राशिद रहमान मीर साहब, इनको पता है इस प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को भी मैं जो दे सकता हूँ मैं देता हूँ। उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वी हैव अ फुटप्रिंट। व्हाट आई एम सेइंग, हमने उस रिपोर्ट में सिर्फ एक ही चीज़ रखी थी और ये आई एम थैंकफुल टू माय कमीशन मेंबर तीन यहाँ बैठे हुए हैं कि उन्होंने मुझे एक मैंडेट दिया कि जी आप रिपोर्ट फाइनलाइज करते सब कमेटीज़ की रिपोर्ट के बाद, और सब कमेटी में आप सब के बहुत सारे नुमाइंदे यहाँ, बहुत सारे चेहरे जो नज़र आ रहे जो थे वहाँ पर। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ सीरियसनेस, जैसे आबिद ने बात की, इन द होली मंथ ऑफ रमजान सिटिंग इन कराची, मैंने वो 97 पेज आबिद साहब अपने हाथों से टाइप किए। क्यों? कि उसमें रेवेन्यू मेजर्स थे, क्यों कि उसमें एक सेंक्टिटी थी, और क्यों कि मैं इस प्रोफेशनल ब्रादरी की तरफ से मेरे मुल्क को तोहफा देना चाह रहा था। एंड प्रूडेंटली आई मेड इट श्योर दैट बिफोर लीविंग फॉर मदीना मुनव्वरा ऑन 27th आई कंप्लीटेड दैट, और रात को बैठ के मैंने कंप्लीट किया। और दूसरे दिन 27वीं शब को जैसे ही अजान हुई शाह साहब, मैंने व्हाट्सएप डार साहब को भेज दिया, वो भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। मैं अब तमाम सीनियर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेसिडेंट साहब से, दोनों राना मुनीर हुसैन साहब और वेटरन साहब से, जैद परवेज साहब से सर सामने तशरीफ लाएँ, और हमारी तरफ से एक कुछ गिफ्ट है आपको, हमारी इस फंक्शन की याद दिलाता रहेगा।